तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल अमित की ज्ञान में। और आज हम बात करने वाले हैं CDR और CDRW के बारे में कि जो CDR है और जो CDRW है इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत लोग CD खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाके दुकानदार को बोलते हैं कि मुझे CD दो। और इस टाइम क्या होता है कि जो दुकानदार है वो उनको CDR दे देता है, लेकिन उनको चाहिए था CDRW। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि उन लोगों को CDR चाहिए लेकिन दुकानदार उनको CDRW देता है। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि जो दुकानदार है वो उनको पूछता है कि आपको कौन सा CD चाहिए, CDR या फिर CDRW, लेकिन वो लोग उस टाइम कन्फ्यूज़ होता है क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनको कौन सा CD चाहिए। क्योंकि मेन रीज़न ये है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जो CDR है और जो CDRW है उनके बीच में क्या फ़र्क है। सो अगर आपको भी इसके बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, तो आपको पता चल जाएगा जो CDR है और जो CDRW है उनके बीच में क्या फ़र्क है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं CDR और CDRW के बारे में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो का। तो दोस्तों CD मतलब कॉम्पैटिबल डिस्क, जो हम सभी को पता है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये जो दो CD है, इसमें से ये वाला जो CD है ये है CDR और ये वाला जो CD है ये है CDRW, ठीक है। और ये जो R और ये जो RW इसका मतलब क्या है, क्या आपको पता है? तो दोस्तों जो R है उसका मतलब है रिकॉर्डेबल और जो RW है उसका मतलब है रिराइटेबल। मतलब ये जो CD है ये है कॉम्पैटिबल डिस्क रिकॉर्डेबल और ये जो CD है ये है कॉम्पैटिबल डिस्क रिराइटेबल, ठीक है। और रिकॉर्डेबल और रिराइटेबल के बारे में जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। सो इसलिए इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा कि ये जो CDR है मतलब जो कॉम्पैटिबल डिस्क रिकॉर्डेबल है ये कैसे काम करता है और इसमें आपको क्या क्या मिलता है, और ये जो CDRW है ये कैसे काम करता है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसके बारे में जानने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। और इन दोनों के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। और पहले बताऊंगा रिकॉर्डेबल के बारे में, मतलब CDR के बारे में। इस CD के बारे में मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा। तो दोस्तों जो CDR है मतलब कॉम्पैटिबल डिस्क रिकॉर्डेबल, इसमें आपको 80 MB से 700 MB तक का स्टोरेज मिलता है। मिनिमम 80 MB और मैक्सिमम 700 MB तक का स्टोरेज मिलता है आपको इस CD में, ठीक है। और ये जो रिकॉर्डेबल CD, ये जो रिकॉर्डेबल है इसका मतलब आपको पता है? तो दोस्तों रिकॉर्डेबल इसका जो मतलब है वो है डेटा को बस स्टोर करना। मतलब ये जो CD है ये बस डेटा को स्टोर कर सकता है लेकिन डेटा को डिलीट नहीं कर सकता, और इसी का मतलब है रिकॉर्डेबल, जो डेटा को स्टोर कर सकता है लेकिन डिलीट नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं इसके अंदर अभी कोई डेटा स्टोर करूं तो ये जो CD है इसके अंदर वो डेटा स्टोर तो होगा लेकिन वो डेटा वापस कभी डिलीट नहीं होगा, वापस वो डेटा मैं कभी भी डिलीट नहीं कर पाऊंगा। और इसके अंदर जो 700 MB का स्पेस दिया गया है वो एक बार भर जाने के बाद वो डेटा कभी भी डिलीट नहीं हो सकता उस CD के अंदर से। मतलब वो अगर CDR है तो उसके अंदर से कभी भी वो डेटा डिलीट नहीं हो सकता, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ये जो CD है इसके अंदर बस डेटा स्टोर हो सकता है लेकिन डेटा कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। इसके अंदर बस हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं लेकिन 700 MB तक, अगर 700 MB फुल हो जाए उसके बाद हम ना इसके अंदर डेटा स्टोर कर पाएंगे और ना डेटा को डिलीट कर पाएंगे। और अगर इस CD के काम करने के बारे में बताया कि ये जो CD है ये कैसे काम करता है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो रेनबो सरफेस है, आप लोग देख सकते हैं ये जो रेनबो सरफेस है इसी में के अंदर हमारा जो डेटा है वो स्टोर होता है और इसी से हमारा जो डिस्क है वो काम करता है। लेकिन कैसे? तो दोस्तों जो रेनबो सर्विस है इसके अंदर हमारा जो डेटा है वो डिजिटली स्टोर होता है, डिजिटली इसके अंदर हमारा डेटा स्टोर होता है। और जब हम ये जो CD है इसको प्लेयर में लगाते हैं, मतलब जो DVD प्लेयर होता है, जो CD प्लेयर होता है और हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जब हम इसको डालते हैं तो ये जो CD है वो इसके अंदर जाके घूमता है, जो घूमता है उसका आवाज़ हम बाहर से सुन सकते हैं। और उस टाइम क्या होता है, हमारा जो प्लेयर होता है उसके अंदर हम सभी को पता है एक रेड लेज़र होता है जो इस रेनबो सर्फेस में जाके गिरता है, ठीक है। और वही डेटा को रीड करता है कि इसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर किया गया है। और ये जो CD होता है इसके अंदर डेटा तो डिजिटली स्टोर होता है, मतलब 0 और 1 के कोऑर्डिनेट में इसके अंदर डेटा स्टोर होता है। और इसकी वजह से हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको डेटा स्कैन करने में बहुत ही आसानी होता है, ठीक है। और ये जो CD है ये ऐसे ही काम करता है, जैसे CD काम करता है ये ऐसे ही काम करता है। इसके रेनबो सर्फेस में हमारा डेटा स्टोर होता है डिजिटली और वो डेटा हमारा प्लेयर में जो रेड लेजर होता है वो उसे स्कैन करके रीड करता है। और सिर्फ यही CD नहीं, जितने भी CD है वो ऐसे ही काम करता है, मतलब ये जो CD है ये भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो CD है इसके अंदर बस डेटा एक ही बार स्टोर किया जा सकता है और कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता। एक ही बार मतलब 700 MB तक ही डेटा इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है,
700 MB में आप जो जो चीज डाल सकते हो वो सब इसके अंदर स्टोर हो सकता है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा। सो आई होप कि आप CDR के बारे में समझ चुके हैं कि जो CDR है वो कैसे काम करता है, और आप बताएंगे CDRW के बारे में, मतलब कॉम्पैटिबल डिस्क रीराइटेबल के बारे में। तो दोस्तों कॉम्पैटिबल डिस्क रीराइटेबल, इसके अंदर भी आपको 80 MB से 700 MB तक की स्टोरेज मिलता है। मिनिमम 80 MB, मैक्सिमम 700 MB तक की स्टोरेज इसके अंदर भी आपको मिलता है। और जो रीराइटेबल है इसका मतलब क्या आपको पता है? तो दोस्तों जो रीराइटेबल है उसका मतलब है कि जो डेटा है वो बार बार राइट किया जा सकता है, रीड और राइट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये जो रीराइटेबल सीडी है इसके अंदर आप जो डेटा डालोगे उसको डिलीट करके वापस से नया डेटा भी इसके अंदर डाल सकते हो, इसीलिए इसको रीराइटेबल सीडी कहा जाता है। मतलब ये जो सीडी है इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया जाएगा वो डेटा डिलीट करके वापस नया डेटा भी स्टोर किया जाएगा, कम से कम 100 बार तक, ठीक है। मतलब 100 बार तक आप CDRW को राइट कर सकते हो, 100 बार तक आप डेटा को डिलीट करके नया डेटा उसके अंदर डाल सकते हो, कम से कम 100 बार तक। उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो, ये आपके CD के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर इस CD के काम करने की बात करें तो ये CD भी सेम तरीके से ही काम करता है, जैसे कि CDR काम करता है वैसे ये CD भी काम करता है। काम के बारे में इन दोनों के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों सेम काम करते हैं, दोनों सेम तरीके से ही काम करते हैं, काम में इन दोनों के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो CD है इसके अंदर डेटा स्टोर होने के बाद उस डेटा को आप डिलीट करके नया डेटा भी इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, लेकिन ये जो CD है इसके अंदर आप जो डेटा स्टोर करोगे वो डेटा बस एक ही बार के लिए स्टोर होगा, उसके बाद वो डेटा आप कभी भी डिलीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए ये जो CD है ये अभी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये बहुत कम। लेकिन जब CD बनाया गया था, जब 1990 में CD पहली बार लॉन्च हुआ था, उस टाइम के जो CD थे ना उसके अंदर सिर्फ डेटा को स्टोर किया जा सकता है, डेटा डिलीट नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो CD है वैसा ही था जब CD को लॉन्च किया गया था, कि डेटा एक ही बार स्टोर होगा, वो डेटा वापस कभी डिलीट नहीं किया जाएगा। और उस टाइम भी उसको 700 MB तक ही रखा गया था, और आज भी ये 700 MB तक ही है। लेकिन उसके बाद ये जो CDRW है इसको लॉन्च किया गया, और इसको लॉन्च करने के बाद ये जो CDR है इसको यूज़ करना एकदम लगभग बंद सा ही हो गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जो CDRW है इसी को यूज़ करते हैं। लेकिन इसलिए ये नहीं कि जो CDR है वो यूज़ नहीं होता, वो भी यूज़ होता है। बहुत छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे सिनेमाज होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे कार्टून के CD आते हैं, वो सारे ये जो CDR होते हैं इसी में आते हैं। और बहुत सारे लोग अभी भी ये जो CDR है इसको यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर लोग CDRW को यूज़ करते हैं। सो अगर आप चाहते हो अपने डेटा को बार बार रीराइट करना तो आपको CDRW लेना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो डेटा है वो बस एक ही बार के लिए स्टोर होगा, उसके बाद मैं वो डेटा को कभी डिलीट नहीं करना चाहता, तो आपके लिए CDR बेस्ट होगा। और अगर इन दोनों के मार्केट प्राइस के बारे में बात करें, कि ये जो CDR है और ये जो CDRW, इन दोनों के मार्केट प्राइस के बारे में बात करें, तो दोस्तों जो CDR है वो आपको मार्केट में 15 से 20 रुपये में मिल जाएंगे, 700 MB का 15 से 20 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा। और जो CDRW है रीराइटेबल, वो आपको 30 से 35 रुपये में मिल जाएगा। जो रीराइटेबल CD है वो 30 रुपये में भी बहुत जगह पर मिल जाता है, 35 रुपये में भी बहुत जगह पर मिलता है, बहुत जगह पर 40 रुपये का भी मिलता है, लेकिन 30 से 35 रुपये में आपको रीराइटेबल CD मिल जाएगा 700 MB का। सो अगर आप रीराइटेबल CD खरीदना चाहते हो तो आपको 35 रुपये खर्च करना पड़ेगा, और अगर आप रिकॉर्डेबल CD खरीदना चाहते हो तो आपको 20 रुपये खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आप कौन सा CD खरीदना चाहते हो ये आपकी मर्जी। सो आई होप कि आप जान चुके हैं कि जो CDR है और CDRW के बीच में क्या फ़र्क है, इनके बारे में समझ चुके हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके, वो भी जान सके CDR और RW के बारे में। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, इसके बारे में हमें बताना। मतलब इस वीडियो के बारे में हमें फीडबैक देना इसकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इससे क्या होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप लोगों ने हमारे स्टोरेज डिवाइस सीरीज को नहीं देखा है तो राइट वाले प्ले लिस्ट को क्लिक करके आप स्टोरेज डिवाइस सीरीज को देख सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस के बारे में जान सकते हैं।